अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम ये कह रहे थे कि इस बार हमारे घर में महाशिवरात्रि का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। पर क्यों माँ? माँ, एक गलत इंसान की हरकत की वजह से हम भगवान का उत्सव और साथ ही साथ में एक अच्छे इंसान का आपके लाडले शिव का जन्मदिन ना मनाए, ये कैसा न्याय है माँ? हम सबको अच्छी तरह से पता है कि महाशिवरात्रि के दिन हमारे शिव का जन्मदिन होता है और जो गलती केतन ने उसकी परवरिश की उसकी सब शिव को क्यों? गायत्री की बात में दम तो है। कीर्तन ने जो किया सो किया, उसमें शिव की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर तय रहा माँ, अब महाशिवरात्रि का पर्व और शिव का जन्मदिन दोनों मनाएंगे। बहुत धूमधाम से। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। महाशिवरात्रि के उत्सव में, शिव के जन्मदिन में कोई कमी नहीं होगी। शक्ति, हम लेट हो रहे हैं, चलें। हाँ जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सुबह का भूला घर जरूर लौटता है, धीरे धीरे से लौटना जरूर है। शक्ति, आई डॉक्टर शिव। सच नहीं, झूठ है, और ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। तुझे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के पीछे पड़ी है। अब से यही हमारा घर और हमारी माँ ये है। हे भोलेनाथ जी, जो अंधेरे में भटक गए हैं उन्हें रोशनी दिखा के आप ही सही रास्ते पे ला सकते हैं। मेरी रिमझिम भटक गई है प्रभु, उसे सही रास्ता दिखाइए। अरे मंदिरा नाम का अंधेरा उसके इर्द गिर्द था, वो कम था कि उसने अपनी आंखें ही बंद कर दी। सही क्या है, गलत क्या है, उस लड़की को कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी आंखें खोलिए प्रभु,
मेरा एक दामाद तो बिल्कुल आपका रूप है और दूसरा बिल्कुल उससे विपरीत। आप मेरी रिमझिम की आंखें खोलिए कि वो देख सके कि उसका पति भगवान नहीं हैवान है, हैवान। इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु, मेरी रिमझिम को सद्बुद्धि दे दीजिए। दोनों बहनों के बीच की दूरी को खत्म कर दीजिए, पहले जैसे प्यार था दोनों में बस वैसा ही कायम रखो। उसको सद्बुद्धि दो कि वो समझे कि नहीं सकती उसकी दुश्मन है और नहीं उसके माँ बाप, हम सब उसी का भला चाहते हैं। बस इतनी समझ दे दीजिए उसे, इतनी समझ दे दीजिए भोलेनाथ। मान जाइए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्यों माफ कर दो लगा रखा है? मैडम जी बस एक बार माफ कर दीजिए। लिसन, मैं तुम्हारी तरह रोड साइड लफंगे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दोबारा कॉल किया ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। नहीं ना, I don't get the, मतलब I want the माफी। Give me माफी मैडम जी, give me माफी। मान जाइए, अब ये किसे मना रहा है? अगर आप हमें माफ कर देंगी तो हम आपको फोन करना बंद कर देंगे। Really? अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो दोबारा कभी कॉल नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहेंगी तो फोन करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। बार बार फोन करते हो, शर्म नहीं आ रही? कितनी बार कहा है कि हमको लोन नहीं चाहिए, अगर आप फोन करा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी, समझे? बहुत रोना हमारे पास, रखो फोन। What? He's crazy. ना, ये लोन वाले परेशान करते रहते हैं, हम ना फोन स्विच ऑफ ही कर देते। ए उल्लू, तो तू मुझे समझ रहा है? कुछ ना कुछ तो पका रहा है तू। इसकी तेज खुशबू आ रही है मुझे, ऐसे खबर न हो तो कह दू। पटाखे भले तूने ज्यादा फोड़े पर दिवाली तो मनोरमा ने ज्यादा देखी है, समझे ना बेटा जी? क्या पका रहे ना, ये तो ऐसे ऐसे पता करके रहूंगी मैं। हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी ना शक्ति, हमारी खुशियों में आग लगाकर हमारे पति को जेल भिजवा दिया, हमसे हमारे प्यार को दूर कर दिया। बहुत मजा आ रहा है ना हमें इतना मजबूर देखकर। अच्छा रिश्ता निभाया शक्ति, बहुत अच्छा। तुम्हारी जैसी बहन ना भगवान दुश्मन को भी ना दे, जो अपनी ही बहन का घर पर बात कर कर खुश हो रही है। ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने है ना, हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।